काफ़ी कुछ बदल गया, टेक्निक बदल गई है, अप्रोच बदल गई है, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। अर्जुन कपूर है फिल्म में, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि वो बॉनी कपूर के बेटे हैं, उनको मार मार के एक्टर बनाया गया। जो बड़ी बड़ी हैं जिनके बाद अच्छा नाम मिला है, अब उसको ये आइटम नंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइटम नंबर करने के लिए अलग लोग हैं। सेलिब्रेशन में मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ और सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई उनको कि उन्होंने ये स्टार्ट किया है सिनेमा 100 इन विजलिंग वुड, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बताना कि सिनेमा 100 ईयर्स का क्या क्या महत्व है इसका। काफ़ी कुछ बदल गया, टेक्निक बदल गई है, अप्रोच बदल गई है, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। टेक्नोलॉजी ने आपको, मुझे तो छुटकारा दे दिया नेगेटिव से, अब सब पॉजिटिव है। मैंने जब नीतू सिंह के साथ जब फिल्म बनाई थी 2 2 4, तो वो 30 साल के गैप के बाद वापस आई थी और तब भी फिल्म्स डब होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन जब जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदली थी तो वो जो स्टूडियो में आके डबिंग कर रही थी तो बिल्कुल बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह देख रही थी क्या क्या बदल गया है। तो ये जितने टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे हमें कहानी सुनाने में ज़्यादा आसानी हो गई है। अलग अलग समय में सब एकदम सही था। जब मैं बोलूँगी 10 साल 15 20 साल पहले जो मैं काम कर रही थी उस वक्त जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर था। और अभी मैं काम करूँगी तो यहाँ का भी माहौल ठीक रहता है। इट्स ऑल इट कीप्स गोइंग, देयर इज़ नो डिफरेंस। रोहित, आपके हिसाब से बॉलीवुड का सबसे सुनहरा दौर कौन सा? लेकिन 3 दिन का सिनेमा बनता है आज की तरह, तो 5 हफ्ते चला। सब लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में आना है, या तो एक्टर बन के आना है, एक्ट्रेस बनो या समथिंग, बट फिल्म इंडस्ट्री विल गिव सो मच वर्क टू द एंटायर पीपल। जिसको काम चाहिए उसको यहाँ मिल सकता है क्योंकि इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सो वो सब कला को भी सीखना ज़रूरी होता है। कई बच्चे अपना घर छोड़कर भाग के आ जाते हैं। देर आर सो मेनी यंग गर्ल्स आई हैव सीन एंड आई फील वेरी सैड। सो इनफैक्ट आई यूज टू टेल पीपल, कहती थी कि आप अपने अपने शहर में एक छोटा सा स्कूल आप खोल दो जहाँ पर आप ट्रेनिंग दो इन लोगों को। तो विच सुभाष जी इज़ डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब बिकॉज ये इंस्टीट्यूट एक होना ज़रूरी है जहाँ हर किस्म का आर्ट सिखाया जाएगा कनेक्टेड टू द फिल्म्स। मैंने अभी एक फिल्म बनाई है जिसमें एक लड़की है, उसका फिल्मी इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है और अर्जुन कपूर है फिल्म में, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि वो बॉनी कपूर के बेटे हैं, उनको मार मार के एक्टर बनाया गया। तो वो मेहनत तो करना ही पड़ेगी। डांस रेपर्टोर इज आइटम नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट, यू नो, ये नाला रिपो जदीसुरम ऑल दिस इज ऑल आइटम नंबर 1 and 2 3 लाइक दैट, बट नाउ दिस आइटम नंबर इज मुन्नी बदनाम एंड सम जिलेबी एंड दीज आर ऑल आइटम्स एंड विच पीपल लाइक इट, लाइक यू ऑल लाइक इट ना, एंजॉय। बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं जिनके बाद अच्छा नाम मिला है, अब उसको ये आइटम नंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आइटम नंबर करने के लिए अलग लोग हैं, उनको करना चाहिए। माधुरी और श्रीदेवी के बाद आई थिंक ऐश्वर्या थोड़ा बहुत अच्छा उन्होंने भी किया, डांस बहुत अच्छा करती है, और विद्या बालन। अभी आगे उसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा।